नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बेमेतरा जिले में आगामी होली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एडिशनल एसपी ने कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक ली, जहां नगर के सभी वार्ड, सभी समाज प्रमुख, गणमान्य नागरिकगण एवं शहर के अन्य जनप्रतिनिधि बैठक में हुए शामिल। इस दौरान सभी से चर्चा करके नगर के ऐसे मोहल्ले व स्थान जहां विगत वर्षों में होली के दौरान कानून अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है एवं उपद्रव हुआ है, वहां फिक्स पॉइंट लगाकर अतिरिक्त बल तैनात करने एवं सघन पेट्रोलिंग करवाने के संबंध में एसपी द्वारा आश्वस्त किया गया और बेमेतरा पुलिस ने होली का पर्व शांति सौहार्द एवं आपसी भाईचारा के साथ मनाए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने लोगों से अपील की गई। साथ ही पर्व के दौरान उपद्रव हुड़दंगी करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने का संदेश भी दिया गया। वह इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड पार्षद, एल्डर में, नगर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि, एसडीओपी मनोज तिर्की, थाना प्रभारी अमर सिंह भारद्वाज व पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। देखिए अरुण पुरैना की रिपोर्ट।